हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर सागर। तो दोस्तों, आज आपके साथ काफ़ी खूबसूरत हाउस प्लान का नक्शा शेयर करने वाले हैं, तो पूरा डिटेल में समझने वाले किस तरह हमने नक्शा बनाया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे जो प्लॉट में हमने डिज़ाइन किया हुआ है, उसकी चौड़ाई रहेगी 27 फीट 6 इंच रहेगी, लंबाई 25 फीट रहने वाली है। इसमें हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का नक्शा बनाया हुआ है। इस प्लॉट के सामने की तरफ मतलब पूर्व की तरफ रोड का अप्रोच रहेगा और बाकी तीनों तरफ अदर ओनर प्रॉपर्टी है। सो वेंटिलेशन खुद के प्लॉट में एडजस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, ग्राउंड फ्लोर पे हमने एक वन आरके का डिज़ाइन किया हुआ है, साथ में आपको एक शॉप भी देखने को मिलती है। चलिए गाइस, नक्शे की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सामने की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं मेन एंट्रेंस गेट मिलता है, देन उसके बाद अपने पार्किंग स्पेस में पहुँच जाते हैं। इसमें यहाँ पे हमने सीढ़ियाँ भी डिज़ाइन की हुई है, उसकी स्टार्टिंग इस तरह होती है, घूम के ऊपर की मंजिल पर जा सकते हैं। इसकी जो साइज रहेगी, चौड़ाई उसकी 14 फीट रहेगी, लंबाई 9 फीट 3 इंच रहने वाली है। इसमें आपके आराम से 2 या 3 बाइक एडजस्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिज़ाइन की हुई है एक शॉप, जिसकी साइज रहेगी 10 फीट 3 इंच बाई 10 फीट रहने वाली है। इसकी ओपनिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। देन उसके बाद पार्किंग में से ही आपको घर के अंदर जाने के लिए मेन डोर मिलता है, यहाँ पे मेन डोर रहेगा। यहाँ पे आपने ड्राइंग हॉल डिज़ाइन किया हुआ है। ड्राइंग हॉल की साइज रहेगी 10 फीट बाई 14 फीट 3 इंच रहने वाली है। इसमें यहाँ पे आपका सीटिंग का पोर्शन डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपका टीवी यूनिट रहने वाला है। वेंटिलेशन के लिए सामने की तरफ मतलब यहाँ पे एक विंडो डिज़ाइन की हुई है, जिससे वेंटिलेशन अच्छी तरीके से आपके ड्राइंग हॉल को हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे मिलती है 4 फीट वाइड की लॉबी। लॉबी में से यहाँ पे आपको टॉयलेट देखने को मिलता है, उसकी ओपनिंग यहाँ से रहेगी। टॉयलेट की साइज लगभग 4 फीट बाई 8 फीट रहने वाली है। टॉयलेट और टॉयलेट के लेफ्ट साइड में बनाया हुआ है किचन। किचन की साइज 10 फीट बाई 10 फीट रहेगी, इसकी ओपनिंग यहाँ से आप देख सकते हैं। किचन का वर्किंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे 3 फीट वाइड का बैक साइड आपको एक वॉश एरिया भी मिलता है, इसकी ओपनिंग किचन में से ही रहने वाली है। यहाँ से अपने किचन को और टॉयलेट को वेंटिलेशन मिल जाता है। तो इस तरह ग्राउंड फ्लोर का नक्शा बनाया गया था। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का नक्शा दिखा देता हूँ, किस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए गाइस, फर्स्ट फ्लोर का नक्शा देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही अपन सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल पे आते हैं, तो यहाँ पे बालकनी में पहुँच जाते हैं। काफ़ी बड़ी बालकनी रहने वाली है। यहाँ पे 2 बेडरूम डिज़ाइन किए हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर का बेडरूम यहाँ से आप देख सकते हैं, ओपनिंग कुछ इस तरह रहने वाली है। साइज उसकी 11 फीट बाई 14 फीट 3 इंच रहेगी। यहाँ पे हमने बेड का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट जैसे ग्राउंड फ्लोर पे था, सेम ऊपर की मंजिल पे रहने वाला है। सेकंड नंबर का बेडरूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह उसकी ओपनिंग रहने वाली है। साइज उसकी 10 फीट बाई 11 फीट 2 इंच रहेगी। बैक साइड हमने बालकनी सेम रखी हुई, आप चाहे तो पूरा कटआउट भी रख सकते हैं। और वेंटिलेशन सामने की तरफ से दोनों बेडरूम को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हमने डिज़ाइन किया था 27 फीट 6 इंच बाई 25 फीट में 2 BHK का हाउस प्लान। साथ में आपको एक शॉप भी मिलती है, बाइक पार्किंग का भी हमने इसमें प्रोविजन दिया था। तो दोस्तों, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।